मॉर्निंग फ्रॉम लखनऊ। सुबह के बजे है 12 बजे यार, 12 बजे रेडी हो रहे हैं। और कि कल रात को सोते सोते 12:30 हो गए। और दूसरा ये कि भी 2 दिन से नहाए नहीं थे, तो अभी जाके ऐसा नहा के ऐसा लग रहा है ना कि भाई जन्नत की सैर होगी। कल एक्चुअली रात को आके इतनी हिम्मत नहीं थी कि भी शावर वावर ले आए, खाना मंगाया, खाना तो खाया, फिर सो गए। तो तो अभी बस अभी भाई भी तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गया हूँ, राजा भाई तैयार हो रहे हैं। एक बार वो तैयार हो जाए फिर यहाँ से निकलते हैं। और फिर आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ, कल भाई लोग मिले यहाँ पे, वो इसी होटल में है। पर क्या है कि कुछ लोगों का होता है कि भी वीडियो में थोड़े शाये होते हैं कि भी यार नहीं यार वीडियो वीडियो होता। तो ठीक है, तो दोस्त लोग मिल गए, उनके साथ अभी रात को बातें बातें की, अब उनसे मिलेंगे और फिर जाएंगे। एक जगह पे है, एक्चुअली मेरे को भी वो जगह का नाम पता है नहीं। अभी गाड़ी में पहले उनके नीचे जाएंगे, उनसे मिलेंगे, वो बताएंगे भी कहाँ जाना है। तो ठीक है, चलो यूपी में आपका स्वागत है। अब यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी उत्तर प्रदेश वाली। गाड़ी गंदी हो जाए थे, देखो ये सब साफ करना पड़ेगा सब चीज़ें। शूज़ पहनने, मेरे को मेरे शूज़ कहाँ है, शूज़ वाला बॉक्स कहाँ है भाई। गजब गर्मी है, 46 डिग्री, समझ रहे हो, 46 डिग्री। और अभी आज का हमारा बता दूँ तो आज हम जा रहे हैं अभी अमेठी, जो यहाँ से 135 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश अमेठी, लखनऊ से अमेठी। तो हमारे जो भैया है एक, उनसे मिलने जा रहे हैं। एक्चुअली पहली बार मिल रहे हैं, पहले फ़ोन पे बात हुआ था, फिर क्या हुआ भैया इसको, एक मिनट रुक जा। हाँ तो पहले फ़ोन पे बात हुआ था, तो इस बार उत्तर प्रदेश आए तो उनसे मिल के जाएंगे, हमारे बड़े भैया है। तो आगे की प्लानिंग उनके थ्रू ही होने वाली है, जो मैं आगे आने वाले ब्लॉग में धीरे धीरे सब बता दूंगा। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे, राजा भाई ऊपर तैयार हो रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है, तो वो तैयार हो जाए। मैं वापस से चाय बोले, चाय पी रहा हूँ। भाई लोग बाहर खड़े हैं, उनको फॉलो करेंगे, हमने लोकेशन तो डाल दिया है, फॉलो करेंगे, फिर चलते हैं अमेठी। और उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या प्रोग्राम होता है। कुछ प्लान नहीं है, मैं पहले से बोला ना, हमारे ब्लॉग में और हमारी रोड ट्रिप में कुछ फाइनल नहीं होता, कोई भी चीज़ कहीं से भी उड़ के आ जाती है ब्लॉग में, है ना। आ गए भाई, हाँ आ जाओ। जो हम मिलने जा रहे हैं उनका नाम क्या है, आप बताओ, आप अपने मुँह से बताओ। वो हमारे भाई है एक, उनके बड़े भाई है विशाल विक्रम सिंह जी, अमेठी में ना। अच्छा बीजेपी के जाने माने नेता हैं, बहुत सालों अच्छा, से पुराने। अभी वहाँ से मिलने उनके मिलने जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं। ये भाई को क्या है, क्या सज्जन को क्या तकलीफ, चश्मा तो वश्मा सब रुको अंदर जाओ, ही सब है, अंदर आ गया है, रुको। चश्मा अंदर है। तो चलते हैं अभी धीरे धीरे, फिर वहाँ जाके पता चलेगा क्या है क्या नहीं। बोलो राजा भैया, कैसा रहा उत्तर प्रदेश में आके? और पहले तो ये बताओ, 2 दिन गाड़ी में क्या हालत हुई थी ये बताओ। देखो कल ना, खली वाली पूरी जा रही है, टीचर भी ऊपर जा रहा है। टच हो रहा है। कल तो क्या हुआ था, पैर में तुम्हारे पीछे सुन पड़ गया था, नहीं पैर, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। अपने हाइटे, को चाहिए हाईटेक ऊंचे। मैंने बोला था ना हमारे भाई को कंफर्टेबल इतना नहीं होगा ये वाली गाड़ी में। पर क्या है, सडन प्रोग्राम बन गया और सडन गाड़ी का सेट, एक गाड़ी का इनकी हैरियर का था, पर क्या हुआ गाड़ी में इंजन में कहीं से आवाज आ रही थी। तो मैंने बोला इतनी लंबे रूट में जाना है और एक ले जाने का शायद फाइनल ही था, और उसे 1 दिन पहले रात को ये चीज़ हुआ, तो अब रिस्क तो नहीं ले सकते, है ना। इतना लंबा जाना है, हाँ लिमिट इतना से लंबा जाना है, 4-5 हज़ार किलोमीटर, पता चला कुछ हो गया तो क्या करेंगे। फिर थार में सामान का प्रॉब्लम, फिर लास्ट में ये जो धन्नो राम प्यारी मछली डॉल्फिन ये तो थी, तो ये ले ली। बस ठीक है, अभी अभी तक का सफ़र तो बहुत अच्छे से रहा, गाड़ी ने बहुत अच्छा साथ दिया है, इतना मस्त चल रही है गाड़ी, स्मूथ एक्सप्रेस हाईवे पे और बाकी सब हाईवे पे मज़ा आया, चलाने में भी मज़ा आया और भगाने में भी मज़ा आया। ये गाड़ी में क्या होता है कि पिकअप अच्छी होती है, और स्पेशली डीजल GLE 200D, मस्त गाड़ी है, फर्स्ट क्लास गाड़ी है, फर्स्ट क्लास। बस थोड़ी ऊंची बना दो। ऊंची तो उसके लिए तो ऐसी भी है ना, भाई से बात कर रहा था कल मैं कि भाई ये थोड़ा टाइम चलाएंगे फिर इसके बाद मर्सिडीज लेंगे। मैंने बोला इसके बाद जो लोगे ना तो ऐसी भी लेंगे, जैसे 300D है, 250D जो है वो इससे थोड़ी ऊपर आती है, तो इससे बाद लेंगे मर्सिडीज, पर SUV वाले, है ना भाई। ओ चचा,
मर्सिडीज लेंगे पर एसयूवी वाली लेंगे ना इसके बाद। कल ही हम बात कर रहे थे जीएलसी की, जीएलएस क्या है जो भी है, 300D लेंगे। वीडियो बनाओ राहुल भी बंदा नहीं जैसे बना। चलते चलते भाई यहाँ पे रुके हैं लखनऊ हाईवे के बाद, और भाई हमारा हमारे राजा भाई का मूड ख़राब है इसलिए हम उसको खाना खा लाने के लिए खाना खाएं, तो यहाँ पे खाना खाएंगे अमरोहा रेस्टोरेंट पे खाना खाएंगे अभी। देखो भाई ये है हमारा आज का लुक, ये टी शर्ट, ये शूज़, ये वाले शूज़ नहीं लिए, बाकी अभी वॉशरूम में हूँ मैं, खाना वाना खा लिया है, टाइम हो रहा है 2:24, अभी भी 1.5 घंटा जितना लगेगा या खाने में थोड़ा हमारे को टाइम ज़्यादा हो गया। चलो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं और ग्लास तो पहले ही खोल दिए, गर्मी में है ना एसी चालू करने से पहले। ये क्या सब, ये क्या पड़ा रहता है, इसे पानी पीने के ग्लास अंदर पड़ा रहता है। तो अभी गाड़ी हम चलाएंगे क्योंकि कल से गाड़ी नहीं चलाई यार। गाड़ी कल से चलाई नहीं और जब तक ड्राइविंग सीट पे बैठते नहीं है ना तब तक मज़ा नहीं आता है। तो देखो आज का दिन पूरा कैजुअल होने वाला है, प्लेस के बारे में बताऊँ नहीं बताऊँ वो सब चीज़ें चलती रहेगी क्योंकि लखनऊ में ही है। लखनऊ से अमेठी जा रहे हैं, अमेठी में भैया से मिलेंगे, वहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा 2-3 घंटा तो निकल जाएगा, तो शायद व्लॉगिंग का इतना इश्यू रहेगा क्योंकि सारे बातें रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है एक बार वहाँ से आएंगे उसके बाद देखते कौन सी जगह पे जाए। भाई पहुंच गए जगदीशपुर अमेठी, ये भैया का घर है, यहाँ जाएंगे अंदर और फिर वापस आ जाएंगे। चले फॉर्च्यूनर है ना, एक आगे पीछे है क्या, पीछे कौन, पीछे कितनी गाड़ी है भाई, पीछे तो एक ही अपने जो साथ में आई थी वो। ये तो अभी इनकी गाड़ियां शादी में गई है इनके फैमिली को लेके। अच्छा, बाकी 20-30 फॉर्च्यूनर साथ में निकलती है। अच्छा, गाड़ी निकलेगी तो सामने कोई गाड़ी भी आती रहेगी साइड में दबा के खड़े हो जाएंगे। बराबर, ये हमारे विशाल भाई की गाड़ियां है तो वो बैठे है ना अंदर, वो विशाल भाई अंदर बैठे है तो अभी जा रहे हैं उनके साथ साथ। सारी गाड़ियों का एक ही नंबर है ना, 0551 सब गाड़ी का नंबर एक ही है, देख रहे हो आप 0551। तीन आई है, 2 फॉर्च्यूनर अभी भी अंदर फार्म हाउस पे ही थी तो 2 घर पे रखी है, अभी ये 3 है और बाकी की तो बाहर ही गई है। मैं देख रहा था तो भैया ने मेरे को बोला भैया जब भी लेना फॉर्च्यूनर तो ब्लैक कलर ही लेना है, हमारा प्लान यही है लेंगे तो ब्लैक ही लेंगे। इन्होंने मेरे को थार दिलवाई, इन्होंने उस टाइम पे बोल देते देखो पुलिस बुला लूंगा, थार दिलवाई पुलिस बुला लूंगा केस कर दूंगा मैं। मैंने बोला फॉर्च्यूनर पर थार दिलवाई इन्होंने, उस टाइम बोल सकते थे, मजा तो इनको भी चाहिए था। हाँ देखो थार, देखो नो डाउट थार तो थार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और हमारे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट जो बैठने की दिक्कत है जो ये ट्रिप पे हुई हमारी लोगों की, तो इसकी वजह से मैंने इनको बोला कि भाई उस टाइम पे मेरे को अगर बोल देते आप कि भाई 18 लाख के ली 25 लाख के आसपास के आपको सेकंड हैंड अच्छे कंडीशन में कार फॉर्च्यूनर दिलवा देता तो बात अलग थी। एनीवेज अपने को हाँ अभी तो लेनी है तो नई ही लेनी है ना, अभी तो नई ही लेंगे। चलो बस गए रात के कितने बजे, टाइम क्या हुआ, 8:15 हो गए। अब यहाँ से हम वापस लखनऊ की तरफ जा रहे हैं, लखनऊ में एक होटल में रूम लेंगे उसके बाद रात को क्या भाई क्लब में जाना है रात को,
रात को अब में जाएंगे, देखते हैं लखनऊ के क्लब कैसे होते हैं, है ना। चलो होटल में मिलते हैं। तो पहुंच गए होटल में और बाबा ये होटल का नाम क्या है? द ग्रैंड ओरियन। एज यूजुअल मैं अपने ब्लॉग में होटल मॉर्निंग में ही दिखाता हूँ, तो कल मॉर्निंग में दिखाऊंगा। बस अभी खाना मंगवाया है, खाना खाएंगे। ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया, 11:30 जितना हो गया। अभी खाना खाएंगे और सो जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल से होगी हमारी नेपाल वाली जर्नी। मैंने बताया नहीं ना आपको कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं यहाँ से अयोध्या से सीधा नेपाल इंटरनेशनल ट्रिप पे। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन सी यू, सायोनारा।